हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुदनेश राघव, हापुड़ डिफेंस अकेडमी उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, इंडियन एयरफोर्स 02/2025 अभी तक जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, अब की बार कट ऑफ आपको चौंका देगी। चौंकाने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। क्यों जाएगी, उस विषय में मैं आपके साथ पूरी चर्चा करूंगा। और आपको पता है, जब भी कभी आज तक कोई भी चीज हम बताते हैं तो बिल्कुल सही और एकदम एक्सपीरियंस के साथ में बताते हैं। प्यारे बच्चों, तो इंडियन एयरफोर्स की जो 2025 में जिन बच्चों ने अबकी बार एग्जाम दिया है, आप सभी को बहुत खुशी होगी जान करके कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मैं उस विषय पे आपके साथ चर्चा करूंगा। और उससे पहले कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के फेज टू की बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तैयारी कहाँ करें, कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, ये अपनी अकेडमी है, जिस अकेडमी में खाने पीने रहने की व्यवस्था, फिजिकल ग्राउंड इसी में है, प्रॉपर वे में। पिछले 10 सालों से लगातार तैयारी करा रहा हूँ एयरफोर्स के बच्चों को। स्पेशल में खाने पीने रहने की शिकायत आपको मिल नहीं सकती। आज तक कोई सिंगल बच्चा कह नहीं सकता कि राघव सर के यहाँ गए, मतलब या ऐसा हुआ या वैसा हुआ। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के एक नंबर फैसिलिटी है। ग्राउंड इतना बड़ा कैंपस है अपने पास में, 35 बीघा में बना हुआ है, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं है। पिछली बार भी अपने पास में 46 बच्चे, जिसकी PSL अभी आई है, 46 बच्चों में से 43 बच्चे अभी PSL पास किए हैं। अभी इनका फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट और है, फिर उसके साथ तुम्हारे भाइयों का इंटरव्यू भी डालूंगा। प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये बात तो थोड़ी मेरे काम की थी। जो भी बच्चे चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 02, ठीक है बच्चों, 02/2025 जो इनटेक है बेटा, इसका जो आपका कट ऑफ है वो बहुत कम जाएगा। समझ रहे हैं क्यों जाएगा? अभी देखो आप, 01/2025 का जो अभी PSL आया है, एक्स ग्रुप की कितने पे गई है, 31.41 ऐसे कुछ गई है, 4-1 पे या 6 पे। और इसकी बच्चों वाई ग्रुप की कितने पे गई है, ये गई है 36.36 पे। ये कब गई है? ये जब गई है बच्चों, जब इसमें वैकेंसी बहुत कम है। इसमें वैकेंसी कितनी है इस वाले इनटेक में? इसमें वैकेंसी है मात्र 2000 के आसपास, वैकेंसी है मात्र 2000 के आसपास। टोटल बच्चा इन्होंने जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स लिया है, 2200 लड़का या लड़की सबरे मिलाकर के लिए 2200। अब मुझे आप एक बार बताओ, 2000 वैकेंसी पे आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है? फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो आपकी शुरू की जो लिस्ट जाएगी, मतलब फेज वन में जो आपकी रिटर्न की जो जाएगी, रिटर्न की कट ऑफ जो जाएगी, वो तो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है। प्यारे बच्चों, अब ये मत कहना कि गुरु जी अभी एग्जाम नहीं हुए, ये नहीं हुआ, फिर भी कट ऑफ बता रहे हो। बेटा इतना अंदाजा हो गया है, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई शक संदेह नहीं है, बिल्कुल सटेक बात आपको देखने को मिलेगी। एक्स ग्रुप में तो तुम्हारी भाई यही रहेगी 22, और वाई ग्रुप में अब की बार फिर से जो है आपकी यही रहेगी 34 या 35 रहेगी वाई ग्रुप में। ठीक है, फाइनल जो जाएगी ना, फाइनल ये और भी कम जाएगी इस वाली से, इस वाली की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें तो वैकेंसी 2000 है, लेकिन तुम्हारे इस इनटेक में, इसमें 01/2025 में, इसमें तो वैकेंसी बहुत है, इसमें तो बहुत वैकेंसी आने वाली है साथियों। ठीक है, बहुत वैकेंसी है इसमें, तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना तुम्हारी 22 से, ये तो जैसे ये तो गई है 31 पे, तो इसको भी आप अगर 31 मानो तो भी बहुत है, बट लगता है कि 30 पे ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारा वाई ग्रुप में है, वाई ग्रुप में लास्ट 36 रहेगी, क्योंकि अब की बार वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी। अब आप देखो, ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो लिए हैं इन्होंने कितने लिए हैं, मात्र 2200, लड़के भी और लड़कियाँ भी। और कट ऑफ कितनी गई है, क्या कट ऑफ है? तो जिन बच्चों ने अब की बार एग्जाम दिया है, मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, बेटा जबरदस्त तरीके से अपनी फेज टू की तैयारी में लगो, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप 28-30 करके आए हो एक्स ग्रुप में, तो फेज टू की तैयारी करो। और जो बच्चे बेटा वाई ग्रुप में, जिनको लग रहा है कि मेरा 34-35-36 का मैं आंकड़े को पार कर रहा हूं, वो बच्चे अपनी फेज टू की तैयारी में लगो वाई ग्रुप वाले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैकेंसी की अब की बार भरमार रहेगी, और खूब सारी वैकेंसी होने की वजह से आपको बढ़िया मौका मिलेगा अब की बार सिलेक्शन का। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स जो एक्स ग्रुप के हैं वो आसान नहीं थे, अच्छे लेवल का था, जिसमें कि बच्चा 35-36 का करके आ रहा है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है अब की बार। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा भाई, जो भी बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि भाई मेरा स्कोर ठीक ठाक हुआ है जैसे मैंने बताया, वो आपकी अपनी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, हापुड़ डिफेंस अकेडमी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था, एकदम स्पेशल डाइट, जिसमें खाने में आपको मतलब दूध, चने, केले और
ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इतनी शानदार व्यवस्था, इतनी कम फीस में कि पूरे भारत में हमसे कोई सस्ती फीस में करा नहीं सकता। ठीक है, किसी की तो कहे ना कि कोई करा दे, बट सस्ती का मतलब है कि उसके साथ में व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई जगह आप जाते हो, वहाँ ना लैट्रिन की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना रहने सहने की व्यवस्था है। भैया 35 बीघा में अपना ग्राउंड पूरा जो अकेडमी है वो बना हुआ है। पीछे जो जितने बच्चे देख रहे हो, ग्रुप के ग्रुप बच्चे सेलेक्ट हैं एयरफोर्स में, एयरफोर्स में पिछले 10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा बच्चों, बेफिक्र रहिए, बेनिश्चिंत रहिए, जबरदस्त तरीके से आप सभी का भी सिलेक्शन होगा, जैसे आपके भाई हैं। ठीक है, और ये अपनी अकेडमी का कैंपस जो कि आप देख सकते हैं पीछे, काफ़ी सारे बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, और फटाफट से कॉल करिए 9193770602 पर, मैं रुद्रेश राघव आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे फेस टू में।